कांग्रेस फेल हो गई है। मोदी जी आई, हमें बहुत खुशी हुई। आपको पता है कि भोपाल में जो आगे चल रही है साध्वी प्रज्ञा, वो मालेगांव टेरर अक्यूज ने मालूम है, है पूरे देश को पता है कि है। I'm coming from the Air Force background. And I can see that sense of pride on my father's face when that strike happened. एक बार 2014 में आई थी मोदी की लहर और अब आई है मोदी की सुनामी। वो क्षेत्र जहां ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं सकता, वहां पे भी नरेंद्र मोदी टक्कर दे रहे हैं। तो 2019 के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और आज हम जानेंगे लोगों से कि कैसा उनको लग रहा है, क्या उनकी टिप्पणी है कांग्रेस की हार पर, नरेंद्र मोदी की भव्य जीत पर और बीजेपी का जो एजेंडा था इस पर। तो सर, आपको क्या लगता है कि कैसे नरेंद्र मोदी का दोबारा आना, आप इसका बीजेपी का एजेंडा कहेंगे या नरेंद्र मोदी ने सही में कुछ काम किया था या कांग्रेस फेल हो गई? कांग्रेस फेल हो गई है, अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय में, पिछले 5 साल में अच्छा काम किया है इसे। एक मैंने अभी जो किसान के लिए जो बेनिफिट्स दिया 2000 रुपया, वो भी कुछ अच्छा बेनिफिट्स है। हर जगह इनकी इनका जो आज के समय में देखिए, हर जगह जितने भी स्टेट हैं हर जगह उनका अच्छा बहुमत आ रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक को पॉलिटिसाइज करके माइलेज खींचा है? किया तो था पॉलिटिक्स, लेकिन एक जेन्युइन था, लोगों ने एक प्रोपेगंडा बनाया कि नहीं ये चीज़ जो है जानबूझ के करवाया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये खुशी है भैया, हमें तो बढ़िया है, मोदी जी ने अच्छा ही करो, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही है। मोदी जी आई, हमें बहुत खुशी हुई। भैया आप हमें बताइए कि आपने 5 साल जो ये नरेंद्र मोदी सरकार का काम देखा, आप इससे खुश थे? क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है? और क्या ऐसा है कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे आए हैं या अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर ही नहीं था जो उन्हें हरा सके? दोनों चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए, टॉयलेट बनवाया है उसने, किसानों पर ध्यान दिया, पैसा दिया है, हमारे यूपी में 1,00,000 कर्जा भी माफ हुआ है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सभी गरीबों के लिए काम किया है। दूसरी बात, कांग्रेस फेल हो रही है, ठीक है, विपक्ष कुछ नहीं है, कोई पार्टी है नहीं जो अच्छा काम कर सके, यही एक अच्छी पार्टी, इसलिए जो है इसको लाना चाहिए था, सो जनता लाई। तो सर आप हमें बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल में क्या अच्छा लगा, क्या आप उनको आगे भी सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली। सो बेसिकली इफ वी गो बाय द 5 ईयर्स, 0 करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड नॉट से दैट द जॉब क्रिएशन वॉज अ मेजर इशू, because even if you look go by the loans that has been sanctioned by the government, and in fact one of my family member got that loan, so I'm sure that these effort will definitely help us. Moreover, if you go by the agriculture, so in agriculture sector he had done a tremendous good job, kisan yojana, in fact fertility, बीज, खाद, everything is been provided these days, so with zero effort. आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी की, क्या आपको पता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बारे में उसको पॉलिटिकल माइलेज दिया गया? आपको क्या लगता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। देखो पॉलिटिकल माइलेज का मतलब मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने कोई काम किया है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इफ दैट गवर्नमेंट हैज शोन द हीरोइज्म टू डू अ सर्टन एक्ट towards the terrorism, so I would support that issue, and I would say that this should be accepted by the government and the rest of all the people. I'm coming from the Air Force background. Okay. And my father was an ex serviceman, so I know how the Balakot affect our family basically. And I can see that sense of pride on my father's face when that strike happened. तो बहुत सारी चीजें हैं और मुझे लगता नहीं इसमें कुछ गलत किया उन्होंने। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, अगर उसका मुद्दा उठाया है और उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि भोपाल में जो आगे चल रही है साध्वी प्रज्ञा, वो मालेगांव टेरर अक्यूज ने, वो एक आतंकवादी हैं, उसके बाद भी उन्हें टिकट दिया गया और वो जीत रही हैं बीजेपी से? मालूम है, है तो फिर भी पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे देश को पता है कि है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी की वजह से नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे लोग भी ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक चेहरा काफ़ी है भारत में प्रचंड बहुमत के लिए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे ऐप से भी जुड़े रहिए जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता है भारत की पॉलिटिक्स और दुनिया भर की तमाम खबरों के बारे में। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा चैनल खुलासा न्यूज़।